हेलो गाइस, वी आर बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। हाय एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग, कमेंट करके बताएं कैसे हैं आप लोग। आज हम क्या देखने वाले, पाकिस्तान मैसेज टूर वशी रुटेला और नसीम शाह। बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी इस वीडियो की, तो ले आए आप लोग रिक्वेस्ट पर, क्या बताएं, लाइक कमेंट और सब। चलिए देखते हैं पाकिस्तानी गर्ल्स का मैसेज क्या है उर्वशी रुटेला के लिए और नसीम शाह। नसीम शाह तो जानते ही नहीं। हाँ, नसीम शाह तो जानते ही नहीं, उनका इंटरव्यू देखा हमने, वो तो बोल रहे हैं हम जानते ही नहीं भाई रुटेला को, रुटेला कौन है नुटेला। चले वीडियो देखते हैं, इसमें पाकिस्तानी गर्ल्स के लिए गर्ल्स का मैसेज है उर्वशी के लिए, देखते हैं। और इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाके वीडियो उधर भी देख लेना, उनको भी सब्सक्राइब कर लेना और हमें भी कर दो। हियर वी गो। मैं उर्वशी से कहूंगी कि हमारे लड़के पर डोर डालना बंद करो। बहुत सारे कोहली के बहुत फैन है, तो हमने रिश्ता थोड़ी करना है कोहली से, अपने गेम पे ध्यान दो। ऐसी बहुत उर्वशियां आएंगी अभी, हमारे जो प्लेयर्स हैं वो इंडिया में शादियां कर लेते हैं, हाँ डोर डालती है ना। अस्सलाम वालेकुम, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है पाकिस्तान की एक ऐसी लड़की जो आज नसीम शाह जिन्होंने डिनाई किया और ये बात कही कि वो उर्वशी जो भारतीय अदाकार है उनको तो जानते ही नहीं, तो ये पाकिस्तानी लड़की जिसका नाम फलक है वो उर्वशी को कोई पैगाम देना चाहती हैं। आइए उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आपका नाम फलक है, फलक का मतलब है आसमान, सही है? सही है। तो ये जो उर्वशी ने किया है, हरकत की है, इसको कह लें कि पाकिस्तानी स्टार जो नसीम शाह है वो तो उनको चाहता ही नहीं, लेकिन उन्होंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर लगा दी है, तो बतौर खातून क्या पैगाम देंगे आप इंडियन एक्ट्रेस को? मैं उर्वशी से कहूंगी कि हमारे लड़के पर डोर डालना बंद करो। हमारा लड़का तुम्हें नहीं जानता, वो पाकिस्तान में ही शादी करेगा, जब भी करेगा पाकिस्तान में बहुत अच्छी बहुत प्यारी लड़कियां मौजूद हैं, तो सुकून से बैठो और अपने मुल्क का लड़का ढूंढना तुमने। आपने चले, आप खूबसूरत खुद भी हैं, तो आपने कहा कि खूबसूरत लड़कियां मौजूद हैं, नसीम शाह के लिए कोई पैगाम आपकी तरफ से, एक खूबसूरत लड़की जिसका नाम फलक है? मैं तो खैर बहुत छोटा है वो, मैं नहीं कर सकती हूँ। मैं तो ये कहूँगी कि भाई पाकिस्तान में बहुत अच्छी है लड़कियाँ, बहुत प्यारी लड़कियाँ हैं, अपने गेम पर ध्यान दो। ऐसी बहुत उर्वशियाँ आएंगी अभी, और आपने यहाँ ही देखना, बिल्कुल ही देखना, अपने मुल्क में देखना जब भी देखना है। और जैसे मैं पहले भी ऐसा हो चुका है कि पहले जो हमारे जो प्लेयर्स हैं वो इंडियन से शादियाँ कर लेते हैं, डोरे डाल दी हैं, हाँ डोरे डाल दी है ना बहुत ज़्यादा। तो मैं कहूँगी कि उनके डोरों में मत आएँ, उनकी बातों में मत आएँ, अपने करियर पर ध्यान दें। जब टाइम आएगा तो आपको इंशाल्लाह एक से बढ़कर लड़की पाकिस्तान में मिल जाएगी। अगर आपको नहीं पता, मैं आपको उर्वशी की एक हिस्ट्री बताऊँ। इससे पहले वो भारत के दो क्रिकेटर्स पर इस तरह डोरे डाल चुकी हैं, उनके स्कैंडल सामने आए हैं जिनमें हार्दिक पांड्या है और ऋषभ पंत हैं। तो एक आदत है उस लड़की को, आप कह लें, तो ऐसी लड़कियों के लिए भी फलक की तरफ से कोई पैगाम हो? देखिए मैं कहती हूँ एक छोड़ के दस को डोरे डाले, मगर अपने मुल्क में डाले, हमारे लड़कों को छोड़ दे, हमारे लड़के बहुत लड़कों को छोड़ दे, हमारे लड़के बहुत मासूम और शरीफ है, वहीं पर रहे, पाकिस्तान मत आए भाई। अच्छा, लेकिन हमारे लड़कों को क्रिकेटर्स को फिर भी इंडियंस ही पसंद आते हैं, जैसे मोहसिन खान साहब है, शोएब मलिक है, हसन अली है, ये सारे इंडिया की तरफ ही जाते हैं। हमारी लड़कियाँ मासूम है, उनको अदाएं नहीं आती ना, जो इंडियंस को अदाएं आती है वो हमारी मासूम लड़कियों को नहीं आती ना, इसलिए फंस जाते हैं लड़के, हमारे मासूम है लड़के फंस जाते हैं। और खान साहब भी फंसते फंसते बचे हैं आपको? ये शुक्र बच गए ना, फंस गए, बच गए ना, फंसे तो नहीं ना, अल्लाह का शुक्र है। हमारे साथ अब सनम जावेद मौजूद हैं। सनम भारतीय अदाकारा है, बड़ी खूबसूरत उर्वशी, उसने पाकिस्तानी जो क्रिकेटर है नसीम शाह उसकी वीडियो लगा दी थी अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर, और उसके बाद ये कहा गया कि इनका कोई अफेयर चल रहा है, नसीम ने आज डिनाई किया है। तो ये वन साइडेड लव भारतीय अदाकारा ने क्यों शो किया, आपको क्या लगता है इसका पीछे क्या बैकग्राउंड हो सकता है? मुझे इसका बैकग्राउंड ये लगता है कि पाकिस्तानी आवाम बहुत ही वेली है, उनको कोई काम ही नहीं है, किसी ने कोई स्टोरी डाल दिया तो उस पर इतना क्यों परेशान है? एक बंदा अच्छा खेला, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, हारा हुआ मैच उस बंदे ने जिताया है। ये भी तो है ना कि भारतीय अदाकारा दिल हार गई पाकिस्तानी क्रिकेटर पे, जो इससे पहले कई भारत की जो एक्ट्रेस हैं वो पाकिस्तानी जो क्रिकेटर्स हैं उन पर दिल हार चुकी हैं। जहाँ तक मुझे लगता है वो ऑलरेडी रिलेशन में है इंडियन किसी क्रिकेटर के साथ। नहीं, वो भी फेक था, हार्दिक पांड्या और उसके बाद हार्दिक पांड्या और उसके बाद वो, ये पहली दफ़ा मैच देखने तो नहीं आई, वो तो मैच देखने किसके लिए आती हैं फिर, वो पहली दफ़ा तो नहीं आई है। और नसीम शाह तो वो तो छोटा है भी बहुत, गलत किया ना उन्होंने, अरे एक वीडियो शेयर किया, अच्छी बात है ना, इतनी दुश्मनियां डाली क्यों हुई, अच्छी बात है उन्होंने एक अच्छी परफॉर्मेंस शिप दिखाई है, उन्होंने शेयर किया, अगर यहाँ पे भी लोग बहुत सारे कोहली के बहुत फैन है तो हमने रिश्ता थोड़ी करना है कोहली से। राइट यार, ये है इनसेंसिबल गर्ल जो थी ना, वो सेंसिबल गर्ल थी यार, क्योंकि यार देखो
उसने खुद एडिट नहीं की थी, किसी फैन ने एडिट की थी, उसने देखी होगी, उसने देखी होगी तो बोल रहे होगा चलो लगा देते हैं। और बहुत ही अच्छी वीडियो थी वो, क्या था, कुछ भी नहीं था यार, वो एक्ट्रेस है एक, और मजा आ गया इस वीडियो का। और नसीम शाह ने तो पहचानने से इनकार कर दिया, हम नहीं जानते उर्वशी डुटेला। लेकिन मजा आया वीडियो का, काफी अच्छी वीडियो थी और दूसरी गर्ल सेंसिबल बात कर रही थी और मजा आ गया। हाँ मजा आ गया। आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में ये कमेंट करके बताएं अपनी राय। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।